मुंबई में धारावी नाम का एक एरिया है, वहां की झुग्गी झोंपड़ियों में लाखों लोग रहते हैं, जहां हम एक मिनट खड़े नहीं हो सकते। धारावी में इतना कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, हम एक मिनट नहीं खड़े हो सकते वहां। और लोग वहां 20-20 साल से रहते हैं। मैंने देखा है झुग्गी झोंपड़ियों के आसपास सरकार की कुछ योजनाओं के सीमेंट के पाइप पड़े रहते हैं नीचे डालने के लिए। उन सीमेंट के पाइप में लोगों के सालों साल गुजरते। इस भारत देश में शहर की जो आबादी है ना, हैदराबाद, मद्रास, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ये जो शहर माने जाते हैं मेट्रोस, इनकी आबादी का 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। 65% हर शहर का, इंक्लूडिंग हैदराबाद। हैदराबाद का भी यही हाल है, सिकंदराबाद का भी यही हाल है। 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। और मुझे इतना दुख है ये कहते हुए कि झुग्गी झोंपड़ियों में जितने एरिया में, जितने वर्ग फिट में पांच पांच लोग रहते हैं, उतने क्षेत्र में तो जेल में कैदी भी नहीं रहते। दस फिट चौड़ी, 10 फिट लंबी, 100 वर्ग फिट की झुग्गी झोंपड़ी में 5-6 लोगों का परिवार है। और हमारे जेलों में जो कैदी बंद है ना, तो एक कैदी को सामान्य रूप से 50 वर्ग फिट जगह होती है जेल में, और यहां जेल के बाहर एक व्यक्ति को सामान्य रूप से 10-15 वर्ग फिट की ही जगह उपलब्ध है रहने के लिए। उसी में सोना है, उसी में हगना है, उसी में मूतना है, सब उसी में करना है। और आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती हैं। सास ससुर भी रहते हैं, उनके बेटा बेटी भी और बहू भी रहते हैं, नाती पोते भी रहते हैं। कैसे जीवन कटता होगा हम तो सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी रह के नहीं देखा। ऐसा बुरा हाल है देश का।